आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको मोरेटोरियम कैसे मिल सकता है, रिकवरी एजेंट से आप कैसे बच सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, बैंक की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर भी आप कैसे मोरेटोरियम ले सकते हो, बैंक के खिलाफ कैसे जा सकते हो, क्योंकि बैंक वाले आपके यहाँ पे सुन नहीं रहे होंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम था, वो अपने ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे थे, जेन्युइन प्रॉब्लम था। उनका घर बिकने वाला था, इनका कार था, कार बिकने वाला था, उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन था, वो लोन नहीं पे कर पाने के कारण से वो प्रॉपर्टी बिकने वाला है, नीलाम होने वाला है, बहुत तरह से लीगल नोटिस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने ऐसे सब्सक्राइबर के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी कि जो लोग मुझसे बात करना चाहते, जो जेन्युइन कस्टमर थे, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मुझसे बात करना चाहते थे, जिनके साथ प्रॉपर्टी में इशू आ रहा है, वो अपने ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आपका लाखों करोड़ों का लोन है, तो ऐसे कस्टमर के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल किया गया था जिसमें आप अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हो। पर ये फैसिलिटी मैं अब बंद करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको सुनिए कि बहुत सारे लोग सीधे आप मैसेज करते हो और वहां पे रोने लगते हो कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए, आपका घर बिक जाएगा, लाखों का करोड़ों का लोन है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप, ये क्या मुझे खराब लगने लगता है यार, लोगों में हेल्प नहीं कर पाता। एक ऐसे कस्टमर को जिनमें जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो अपॉइंटमेंट लेके बात कर रहा है, ऊपर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि ये फैसिलिटी ही बंद कर दूंगा। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो चाहते हैं कि ये फैसिलिटी बंद कर दूं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लीगल नोटिस आ रहा है, वो अपने प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप पे क्या करोगे? अगर मैं आपको सलाह भी दे दूंगा तो आप उसे करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्व तब हो सकता है कि जब आपके पास एक रास्ता हो, आप उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आपको कुछ दिनों का राहत मिल सकता है, आपको कुछ समय मिल सकता है, क्योंकि जितने भी जेन्युइन कस्टमर है उनको कुछ समय चाहिए, उनके पास फिलहाल पैसे नहीं है, वो अरेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लीगल फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जो एडवाइस देते हैं। देखिए, जितने अच्छे से इस बैकग्राउंड को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने 10-15 साल सिर्फ लोन डिपार्टमेंट में काम किया है, मैं रिकवरी एजेंट जो बोलते हैं ना कि बहुत शान से चवनी छाप बोलते हैं ना, मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया है और एज ए मैनेजर भी काम किया है, लोन मैनेजर, तो मुझे पता है कि ये चीज वर्क कैसे करता है। रहा बात मोरेटोरियम का, जैसे कि मैंने बताया था कि मोरेटोरियम मिलने वाला है, देखिए मोरेटोरियम कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है लोन डिपार्टमेंट में। बहुत बार ऐसे लोन होते हैं, कॉर्पोरेट लोन होते हैं, बहुत बार ऐसे लोन होते हैं जो फिलहाल ईएमआई नहीं पे कर पाते, उनका ये कंडीशन नहीं है कि वो फिलहाल ईएमआई को पे कर पाएंगे। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ऐसे कंडीशन में क्या करती है कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिससे बैंक का भी नुकसान नहीं हो, जिससे कस्टमर का भी नुकसान नहीं हो। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसमें बैंक का क्या नुकसान होता है? देखिए, आप जब ईएमआई नहीं पे कर पाते तो आपका लोन एनपीए में जाता है, और ये एनपीए बैंक के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक अपने में ज्यादा एनपीए नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि एक एवरेज बताते हैं कि 27-28% एनपीए बहुत हो जाता है एक बैंक के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके बैंक में सिर्फ एनपीए का संख्या ज्यादा दिख रहा है, तो एक पूरा जो बैंक चल रहा है ये एक मार्केट पे है, तो उनके शेयर वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा, कोई इन्वेस्टर उसमें पैसा क्यों लगाएगा जिसका आधातर लोन एनपीए जा रहा है। तो इसीलिए बैंक कभी नहीं चाहते कि उनका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, मोरेटोरियम प्रोवाइड कर देते हैं। फिलहाल की स्थिति में बोलूं तो इसी तरह से, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब लोग सामने से जाते हैं, बोलते हैं मेरे पास ईएमआई नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम आपसे कुछ मांग रहे हैं तो क्या हमको मोरेटोरियम चाहिए? नहीं, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, मैं चाहूं तो ये वीडियो में बता सकता हूं कि कैसे बोल सकते हैं, पर एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कैसे बात करना है। एक तरीका होता है कि हम ऐसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबका प्रॉब्लम अलग है, सबका लोन का टाइप अलग है, सब अलग अलग प्रॉब्लम से झेल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ ये लास्ट वीडियो में अपना नंबर में शो करूंगा, आज के बाद मैं कभी अगर आप लोग बोलोगे तो करूंगा, क्योंकि सिर्फ जेन्युइन कस्टमर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जिनके साथ सच में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी है, उनके पास पैसे नहीं है, वो फंस जाएगा प्रॉपर्टी, थोड़े से पैसे के लिए कुछ समय मिल जाएगा तो उनका शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वैसे कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करें, मुझसे बात करें, आपका सारा परेशानी मैं दूर करूंगा। आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच किया जाता है रिकवरी एजेंट को, बैंक को, क्योंकि एज अ मैं
जब बैंक में काम करता था तो मुझे पता है कि कस्टमर यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो बोलने में क्या गलती कर जाते हैं कि बैंक उन्हें साफ इनकार कर देता है, वो कहाँ पे गलती करते हैं कि बैंक उन्हें इग्नोर करता है। वो सारी बातें हर एक डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपका लोन माफ होगा, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कुछ भी परेशानी है कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।